हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रमास लाइफस्टाइल। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आ रही हूँ ये O3 का प्रोफेशनल पावर मास्क, इसका रिव्यू प्लस लाइव डेमो। मैंने इस मास्क के बारे में बहुत सुना था कि ये इंस्टेंट ग्लो देता है और जो न्यू ब्राइट बनने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ट्राई करूँ और आप लोगों के साथ में एक रिव्यू शेयर करूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस काइंड ऑफ अ पैकेजिंग में रिसीव हो जाता है। ये ट्यूब जो है जेल और ये मास्क पाउडर जो है वो एक ही साथ में आता है, और ये मुझे मिला है 499 में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पैकेजिंग पे जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स डायरेक्शन सभी कुछ दिया हुआ है, अच्छी तरीके से मेंशन है। यहाँ पे बताया हुआ है आपको ये 1/4 के रेशियो में लेना है और इसको जेल में अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है थोड़ा थिक सा, और इसको फेस पे अप्लाई करना है। इवन आईलिड पे भी आपको इसे अप्लाई करना है, पूरे फेस पे, नेक पे पूरा कवर कर लेना है। और ये है जेल इसके साथ में जो आता है, देन इस पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आपको ये जो मास्क है वो 15-20 मिनट्स फेस पे रखना है, उसके बाद आपको वॉश नहीं करना है, SPF अप्लाई कर लेना है फेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है, और देखिए इस काइंड ऑफ पाउडर है यहाँ पे पैकेट में, और इसमें एक शिमरी टाइप का है, गोल्डन शिमर या फिर पार्टिकल आप बोल सकते हैं। मैंने गोल्ड वाला ऑर्डर किया था तो उस प्रकार का कुछ पार्टिकल्स है इसमें। मैं एक स्पून के हेल्प से इसे बाउल में निकाल लूँगी। आपको जितना अप्लाई करना है आप उतना ही यूज़ करें, और मैं आईलिड पे अप्लाई तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है, आप लोगों को लाइव डेमो देना है, इसीलिए तो थोड़ा सा मैं बचा ले रही हूँ, रख ले रही हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। वैसे सिंगल यूज़ पैक है। इसे देखिए मैंने ऐसे फोल्ड करके, और इसे एक हम लोग ये गेटिस लगा लेंगे, रबर जो आता है उसे सिक्योर करके इस तरीके से रख सकते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं जेल। ये देखिए पूरा ये पैक है, इसे ओपन कर लिया मैंने, और स्पून से मैं इसे ले लूँगी। हिसाब से एक आपको थिक पेस्ट बनाना है, उसी क्वांटिटी में आप इसे ऐड कर ले जेल को। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जल्दी जल्दी से इसे मिक्स करके तुरंत अप्लाई करना है, वरना ये एकदम जम जाएगा या फिर ठीक से अप्लाई नहीं होगा, इस तरीके का हो जाता है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा जेल कम है, मैं इसमें और जेल ऐड कर लूँगी। मेक श्योर करें आप जब भी कोई फेस मास्क बना रहे हो या कुछ भी फेस पे अप्लाई करने के लिए बना रहे हो तो आपका बाउल और स्पून एकदम क्लीन हो, बिल्कुल भी क्लीन हो, क्योंकि अपना फेस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जो चीज़ें होती हैं फेस मास्क बनाने के लिए वो साफ़ सुथरी और एकदम क्लीन यूज़ करनी चाहिए। देखिए मैं इसे फटाफट को मिक्स कर ले रही हूँ किस तरीके से, ये आप देख सकते हैं मास्क एकदम रेडी है, और जल्दी से मैं यहाँ से इसे अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे फेस पे मेकअप नहीं है, एकदम क्लीन है मेरा फेस, और फटाफट हम इसे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, और अप्लाई करते वक्त एकदम कूलिंग सेंसेशन सी हो रही है, इसमें कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे जैसे इसे अप्लाई करेंगे वैसे वैसे आपको एकदम अच्छा लगेगा, और उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फटाफट इसे अप्लाई कर लेंगे।
ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब मैं 20 मिनट के लिए इसे रखूँगी। 20 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम ड्राई हो चुका है मास्क, तो चलिए रिमूव करते हैं इसे और देखते हैं कितना ग्लो आया है फेस में। ये बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है, जैसे कि आपके स्किन के ऊपर कोई एक स्किन का लेयर है, इस तरीके से ये बनता है और बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही इजीली निकल जाता है। देखिए मैं इसे रिमूव कर ले रही हूँ। इसके बाद आपको फेस पे SPF अप्लाई करना है। मैं इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी पूरा। आप देख सकते हैं मैंने मास्क उतार दिया है एकदम, और एक ग्लो भी आ चुका है आप स्किन में देख सकते हैं। अब मैं इस पे SPF अप्लाई कर ले रही हूँ। जैसा कि देखा फ्रेंड्स आपने, मैंने अच्छी तरीके से SPF अप्लाई कर लिया था और अभी तक काफी हद तक एक कूलिंग सेंसेशन है जो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा रिलैक्स मिल रहा है। और आपको इसको अपनी आईलिड पे अप्लाई करेंगे तो काफी हद तक रिलैक्स मिलेगा। और डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को एक बहुत बड़ा थम्सअप है मेरी तरफ से। और जो नई ब्राइड है, नई दुल्हन बनने जा रही है, या फिर आपको कभी भी शादी या पार्टी में जाना है और फेशियल करने का इतना टाइम नहीं है, तो आप ये डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं और जिससे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा आपके चेहरे में। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक लाइव डेमो था, मेरी स्किन थोड़ा डल लग रही थी, अभी आप इंस्टेंट ग्लो मेरे स्किन पे अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको न्यू वीडियो के साथ में। टिल देन नमस्कार।